नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24x7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल स्वतंत्र। बीसलपुर क्षेत्र के गांव पकड़िया मंगली में प्रधान ने अटे ग्रामीण से 40,000 रुपए। बीसलपुर के गांव पकड़िया मंगली में प्रधान ने पूरन लाल से आवास के पैसे निकालने के नाम पर रेटे रुपए 40,000। आपको बता दें कि पकड़िया मंगली के रहने वाले पूरन लाल पिता बिहारी लाल को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला था आवास, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। पूरन लाल ने बताया कि मुझसे प्रधान ने ₹20,000 लिए, ये कहकर लिए कि आपको आवास मिलेगा, मगर इसमें मुझे पैसे ऊपर तक अधिकारी को देने पड़ेंगे और ₹20,000 उधार के नाम पर ले लिए, जिसके कारण मेरा आवास अभी तक पूरा नहीं हो पाया। प्रधान जी से जब पैसे मांगने जाते हैं तो प्रधान जी गाली गलौज करने पे आमादा हो जाते हैं, अपने दरवाजे से भगा तक देते हैं। जब प्रधान के बाद रे में गाँव वालों से पूछा तो गाँव वालों ने भी बताया कि प्रधान ने गाँव में कोई विकास कार्य नहीं कराया, यहाँ तक कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं वो भी प्रधान की खामियों से आधे अधूरे पड़े हैं। जबकि 2 अक्टूबर को गाँव ODF होना है, क्या कागजों में ही दबके रह जाएगी सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टीवी न्यूज, पीलीभीत। पैसा ही नहीं आया तो पूरा कैसे कर लेते, हम गरीब आदमी ढंग से कहाँ से बनाए। कितने पैसे आए थे? 6,000। इसकी शिकायत प्रधान जी से करी? प्रधान कई दान देख गए। अच्छा, क्या कही उन्होंने? कही आई जही जा कही देता। क्या परेशानी? परेशानी 1,00,000 कमरा आया था साहब, 20,000 प्रधान ने ले लिए, 10,000 मैंने अपने ढंग से टकाया, 1,00,000 रुपया मिला मुझे। अच्छा, और क्या परेशानी है इसमें? आवाज में ये नहीं है उसके बारे में? किबाड़े क्यों नहीं लगवाई? किबाड़े क्या आएगी, जब पैसा की मजबूरी हो गई था, पैसा मेरे पास में रह नहीं रहा तो इसलिए मजबूर हो गया, हमने लाइट नहीं लग पाया। कहाँ रहते हैं? पकड़िया मंगली का। प्रधान क्या नाम? राकेश। उन्हीं ने पैसा लिया? हाँ, उन्हीं ने लिया। किसने दिलवाया था पैसा? दिलवाया किसी ने, हम बैंक गए लगाने के टाइम तो हमें से उन्होंने ले लिए बैंक में।